to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। हर कोई ये जानना चाहता है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं। खबरों के माने तो अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। यही नहीं, अगर बहुजन समाज पार्टी आती है तो इसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है और अब बस मायावती के हां का इंतजार है। बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी की ताकतवर नेता हैं। भले ही विधानसभा में पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, लेकिन वोट बैंक के लिहाज से देखा जाए तो बसपा सुप्रीमो बड़ी नेता हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहे सपा हो या फिर कांग्रेस, उन्हें अपने साथ लाना चाहते हैं। हालांकि मायावती ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और माना जा रहा है कि वो 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के दिन कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सपा ने बसपा को लेकर किया प्लान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया गया है। सपा चुनाव में बसपा को 25 से 30 सीटें दे सकती है। सपा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसके पीछे वो ये दलील दे सकती है कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से वो अभी भी यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि मायावती इस पर राजी होगी ये कहना मुश्किल है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और बसपा को 25 से 30 सीटें देने की राजी हो सकती है। वहीं कांग्रेस को 10 और रालोद को 5 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कहा जा सकता है। सपा ने यह आंकड़ा विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए लिया है। हालांकि मायावती ने 2019 के चुनाव के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर सकती है, क्योंकि तब बसपा ने सपा से 2 गुनी सीटें जो है वो जीती थी। गठबंधन में शामिल होंगी मायावती। कई राजनीतिक जानकार मानते हैं कि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों बराबर बराबर सीटों पर लड़ने का फैसला ले सकते हैं। इसके अलावा एक जौनपुर सीट जेडीयू से धनंजय सिंह, नगीना से चंद्रशेखर आजाद और अपना दल कमरेवादी की पल्लवी पटेल को कुर्मी वोटर वाली सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है। सपा की लिस्ट में 20 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो हर हाल में चुनाव लड़ना चाहती है। इसके लिए भी अभी से मंथन हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी समझ गई हैं कि अगर वो चुनावी मैदान में अकेले आती हैं तो उनको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन अगर वो फिर से सपा के साथ जाती है तो पार्टी में नई जान फूंक सकती है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि वो गठबंधन के साथ जा सकती है। कांग्रेस और सपा का भी इस पर नरम रुख है। देखना होगा कि वो अपने जन्मदिन पर आगे की रणनीति को लेकर क्या फैसला लेती है। बाकी आपको क्या लगता है बताइएगा। धन्यवाद।